गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम कवरअप करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक। सो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है, क्योंकि इसका जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे 5 से 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राइट, अ डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। सो बिल्कुल अच्छे से हम जानेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से आपको बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम याद हो जाए डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एबायोटिक के बारे में कि हमारा जो एबायोटिक जो है वो होता क्या है। सबसे पहले इनका डेफिनेशन आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। एबायोटिक फैक्टर रेफर्स टू नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम। अबायोटिक रिसोर्सेज आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। आप सभी जानते हो कि एनवायरनमेंट में लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर होता है। ये एबायोटिक जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर और हाइड्रोस्फेयर से ऑब्टेंड किए जाते हैं, ऑब्टेंड होते हैं। एग्जाम्पल्स में हम क्या लिख सकते हैं एबायोटिक में? तो एबायोटिक में हम एग्जाम्पल्स में लिखेंगे वाटर, एयर, सॉयल, सनलाइट एंड मिनरल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज के? एबायोटिक रिसोर्सेज के वाटर, एयर, सॉयल, सनलाइट एंड मिनरल्स एग्जाम्पल्स होते हैं। समझ में आया आप सभी को एबायोटिक क्या होता है? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बायोटिक होता क्या है। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोटिक फैक्टर क्या होता है? बायोटिक फैक्टर आर वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आप यहाँ पर क्या समझते हो? वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर मतलब ये होता है कि वो एक बार ही जीता है और फिर वो मर जाता है, तो दोबारा से वो जीवित नहीं हो सकता है। वंस लिविंग, ठीक है। देयर दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम बायोस्फीयर। ये कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं? ये बायोस्फीयर से ऑब्टेंड होते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल्स बायोटिक के हो जाएंगे बर्ड्स, प्लांट्स, फंजाई और सिमिलर इसके जैसे कोई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग पहले तो लिख लीजिए बायोटिक का और एबायोटिक का। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग इसका डिफरेंस बिटवीन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक के बारे में स्टूडेंट्स। तो देखिए, एबायोटिक का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखिए, कभी भी आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना होता है। पहला हो जाएगा पहला टॉपिक और फिर आप लिखोगे दूसरा टॉपिक। सबसे पहले हम पहले वाले टॉपिक में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ पर दोनों जगह इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, फिर हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, फिर अफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर लिखते हो डिफरेंस बिटवीन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का नोटबुक चेक किया है तो बहुत डिफरेंस बिटवीन सही तरीके से वो नहीं लिखते, आधा अधूरा लिखते हैं और आधा अधूरा पता नहीं कहाँ जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एबायोटिक थिंग। ठीक है, तो एबायोटिक क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इन इकोलॉजी एंड बायोलॉजी अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर इन द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट इकोसिस्टम। मैंने आपको अभी जस्ट बताया है 1 से 2 मिनट पहले कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो नॉन लिविंग होता है और फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो है वो एनवायरनमेंट पे होता है। तो इसके डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? इन इकोलॉजी एंड बायोलॉजी अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर इन द एनवायरनमेंट विच अफेक्ट इकोसिस्टम। नाउ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बायोटिक के बारे में। तो बायोटिक क्या होता है? तो बायोटिक डिस्क्राइब्स अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, बर्ड्स और बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं किस में? बायोटिक में। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एबायोटिक के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो वाटर, लाइट, विंड, सॉइल, ह्यूमिडिटी, मिनरल, गैसेस, ये सारा एग्जाम्पल्स किसका होगा? एबायोटिक का होगा। बायोटिक का कौन कौन सा एग्जाम्पल्स होगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बायोटिक के। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस, आप लोगों को पता होगा ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। ठीक है, नहीं पता है तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर। तो एबायोटिक का जो फैक्टर होता है वो होता है अफेक्ट द एबिलिटी
ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ठीक है, सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हेल्प टू डिटरमाइन टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एबल टू एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट, लिमिटेड फैक्टर रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। उनका जो ग्रोथ जो होता है वो एक लिमिट ही अमाउंट में होता है, ठीक है, और वो अपना यहाँ पर आते हैं अर्थ पर, सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हेल्प टू डिटरमाइन टाइप्स, और उसके बाद उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बायोटिक के बारे में। तो लिविंग थिंग्स दैट डायरेक्टली और अनडायरेक्टली अफेक्ट ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म इंटरैक्शन, वेस्ट, पैरासिटिज्म, डिजीज, प्रेडेशन, ये सारा एग्जांपल में आ जाएगा बायोटिक के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, अफेक्ट्स आप लिख सकते हो एबायोटिक में, इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, और बायोटिक में हो जाएगा इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, ठीक है। अब इसके हम कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स करके हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कुछ और चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है। तो देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, अ बायोटिक फैक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स एज फूड एंड एनिमल्स दैट कंज्यूम द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई रियली होप कि आप अच्छे से समझ गए होगे सब कुछ, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी और डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों से कमेंट में बात कर लूँगी, जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर कर लूँगी। एंड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा लाइक किसी चीज़ का डिफरेंस बिटवीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली अपलोड द सेपरेट वीडियो फॉर यू ऑल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, and keep shining, keep growing. Jai Hind, Vande Mataram.